jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा 29 फरवरी के बाद 27 मार्च तक शुक्र मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे। ये ट्रांजिट वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आ रहा है, तो देखिए आपके जो सप्तम हाउस है, सप्तम हाउस का लॉर्ड है शुक्र और आपके 12वें भाव का लॉर्ड भी है शुक्र, तो ये आएगा 6th में मेष राशि में। यहाँ पर शुक्र का आना आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच थोड़ी सी मतभेद क्रिएट कर सकता है, कुछ समस्याएं आपको खड़ी कर सकता है, कुछ कानूनी मामलों में आपको जो है फंसा सकता है और आपका जो रिलेशन है अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा इस समय में नहीं रहेगा, तो आप इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके लग्न चार्ट में यहाँ पर या राशि चार्ट में और कौन कौन से ग्रह हैं, उसके अनुसार भी आपके रिजल्ट कुछ चेंज हो सकते हैं, पर इस समय में आपको अपने किसी भी बिजनेस को लेकर या आप अपने जो शादीशुदा लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, उसको लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए इस समय में। साथ में ये यहाँ से दृष्टि डालेगा आपके 12वें भाव पे, तो 12वें भाव पे जहाँ ये उच्च का होता है तो आपको कुछ जो बेडरूम का सुख है वो ये जरूर दे सकता है, साथ में आपको खर्चा ये काफी करवा सकता है, तो इस प्रकार से हम इसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।